बिलासपुर जिले के लिंगवी गांव के रहने वाले हंसराज की संदिग्ध मौत की न्यायिक जांच की मांग को लेकर बिलासपुर सदर सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर हंसराज के परिजनों सहित स्थानीय ग्रामीणों के साथ डीसी कार्यालय बिलासपुर परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि हंसराज टैक्सी ड्राइवर थे और कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में लगे कर्फ्यू के बीच मध्य प्रदेश से सवारी को छोड़कर बिलासपुर वापस लौटे थे, जिन्हें स्वरघाट में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती किया गया था, जहां गिरकर चोट लगने पर उन्हें पहले बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया था, जहां रास्ते में ही हंसराज ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद से हंसराज के परिजन लगातार उसकी मौत की निष्पक्ष जांच की मांग करते आ रहे हैं। मगर अब हंसराज की मौत को 48 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होते देख बिलासपुर सदर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने हंसराज के परिजनों व ग्रामीणों के साथ मिलकर डीसी कार्यालय परिसर में धरना दिया है। एक और जहां हंसराज के परिजन मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए हंसराज की मौत किन कारणों में और कैसे हुई इसकी भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने क्वारंटाइन सेंटर में हंसराज के गिरकर चोट लगने से लेकर आईजीएमसी शिमला भेजने में हुई देरी और सही इलाज न मिलने को लेकर उचित जांच और हंसराज के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है। 48 दिन पहले श्रीमती कांता देवी जी लेंगड़ी पंचायत लेंगड़ी गांव कुमजाड़ पंचायत के इनके बेटे की हंसराज की संदिग्ध परिस्थितियों में क्वारंटाइन सेंटर स्वरघाट में मौत, आज तक उसकी जांच नहीं हुई कि उसकी मौत हुई तो कैसे हुई। यदि वो प्रशासन के मुताबिक यदि वो गिर के मरे तो आज तक उसको 4.5 लाख रुपए की जो मदद होनी चाहिए तो क्यों नहीं हुई। नंबर दो कि बच्चा वहाँ पे तड़पता रहा, उसको इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई ले जाने के बजाय बिलासपुर लाया गया, बिलासपुर में बिना इलाज के शिमला भेजा गया, शिमला में बिना इलाज के उसकी मौत हो गई और बोरी में भर करके सबको खुले आसमान के नीचे फेंक दिया गया। क्या ये प्रशासन है हिमाचल प्रदेश सरकार का? आज जिसकी माँ का जिगर का टुकड़ा छीन लिया गया, हाथ से चला गया, आज माता को न्याय पाने के लिए, दादा को न्याय पाने के लिए, भाई को न्याय पाने के लिए कड़कती धूप में यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, तो शर्म इस बात की है। तो मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आपने जो न्यायिक जाँच के आदेश किए थे वो न्यायिक जांच आपके एडीएम साहब ने लिपा पोती करके अपने अफसरों को बचाने का काम किया है। ये न्यायिक जांच हाई कोर्ट के जज से हो और इस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, और जब तक आप न्यायिक जांच के हाई कोर्ट के जज से आदेश नहीं करते हम यहां से उठने वाले नहीं है। माता भी यहां बैठी रहेगी, बेटा भी, भाई भी यहां बैठा रहेगा, दादा भी बैठेंगे, गाँव के सभी लोग, सभी पार्टियों के लोग यहां पे आए हैं, सब यहां पे बैठे रहेंगे। वहीं पूरे मामले को लेकर एसडीएम बिलासपुर राजेश्वर का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम से संबंधित बिस्तरा रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ कह पाना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रशासन द्वारा हंसराज की मौत के संबंध में उचित कार्रवाई की बात भी कही है। बिस्तरा रिपोर्ट तो साइंटिफिक रिपोर्ट है, जब तक उसकी पूरी तरह से साइंटिफिक उसका एनालिसिस नहीं हो जाता तब तक तो हम लोग यहाँ पे वो नहीं ना कुछ कह सकते। यहाँ आया, यहाँ से उसको आईजीएमसी भेजा बिना चेक किए। ये डायरेक्टर, ये डॉक्टर्स का अपना ओपिनियन होता है कि उन्होंने क्या करना है, उसमें जो नॉन मेडिकल, जिसको मेडिकल के बारे में पता ही नहीं है, वो कमेंट्स कैसे कर सकते हैं उसमें कि इसको क्या है क्या नहीं है। अगर वो तो डॉक्टर ही जानता, उसकी स्पेशलिस्ट राय है कि वो उसको क्या हुआ है। तो सरकार ने वहाँ आईजीएमसी तक भेजने के लिए सबका इंतजाम किया है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्चे को न्याय मिले और माँ बाप को जो भी सहूलियतें मिली है वो मिले, इसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। आप लोग मेरे पास आए थे, हमारे पास आए थे, हमने समझाया, सारा कुछ किया, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो मैं अपनी अपनी तरफ से मैं गुस्ताखी माफ भी चाहता हूँ। कारण ये है क्योंकि जो काम आपके हैं वो आप ही को करने हैं।